सत श्री अकाल, एबीपी साझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर ते फ्रंट फुट दे विच। सब तो पहला हेडलाइंस। लुधियाना के जिला अदालती कंपलैक्स धमाका, एक दी मौत, कई जख्मी। अदालत की दूसरी मंजिल के बाथरूम छोया सी ब्लास्ट। पंजाब पुलिस ने अदालती कंपलैक्स किया सील। कई केंद्रीय एजेंसियां भी जांच जुटियां। धमाके तो तुरंत बाद लुधियाना पहुंचे सीएम चन्नी, कहा हर नापाक साजिश की तह तक जाएगी सरकार। गृह मंत्री रंधावा ने ह्यूमन बंब का भी जताया खदशा। विरोधियों ने सूबे की कानूनी व्यवस्था से खड़े किए सवाल। धमाके तो बाद पंजाब च हाई अलर्ट जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार तो मंगी रिपोर्ट। सरहद पार भी जोड़े जा रहे हैं लुधियाना धमाके के तार। फोरेंसिक जांच तो बाद सामने आएगा सच। ड्रग मामले च गिरफ्तारी तो बचने लिए बिक्रम जीठिया ने किया मोहाली अदालत का रुख। अगाऊ जमानत लिए पाई पटीशन। बहस तो बाद शुक्रवार तक लिए फैसला सुरक्षित। 3 साल बाद रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने अकाली दल च की वापसी। कहा हुण सारे मन मिटा होए दूर। प्रकाश सिंह बादल की सुखबीर नूं नसीहत, ब्रह्मपुरा का हर हुक्म होवे इलाही। लुधियाना दे विच अदालत कंपलैक्स दे विच धमाका होया। दूजी मंजिल ते धमाका होया ते धमाका इन्ना जोरदार सी कि एक कंध भी टह गई। एक शख्स की मौत हो गई, 4 जख्मी ने। मौके ते डीजीपी भी पहुंचे। जांच का भरोसा दिता जा रहा। दिल्ली तो भी जांच एजेंसियां पहुंच चुकिया ने, पर अजे तक खुलासा नहीं हो सकिया कि धमाका आखिर होया क्यों। तस्वीरां लुधियाना दे जिला अदालती कंपलैक्स दियां ने। इत्थे एक धमाके ने पूरे पंजाब नूं हिला के रख दिता। पुलिस मुताबक यह धमाका अदालत की दूसरी मंजिल से एक बाथरूम विच दोपहर बाद होया। इत्थे एक व्यक्ति की मौत हुई अते कई फटड़ हुई। तस्वीरां खुद बयान कर रही ने कि धमाका कितना खतरनाक सी। दीवारां टुट गई, जिधर भी वेखोगे मलबा ही मलबा विखाई देवेगा। इमारत के बाहर हेठां तक मलबा खिलर गया। नतीजा बाहर खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। सीएम चन्नी ने साफ साफ कहा कि बंब धमाका सी। एक बंदे दी टोटल कुल जेड़ा है, जेड़ा के लगता है कि वह बंब नूं ही ऑपरेट कर रहा सी, उसकी ही डैथ हुई है। उस तो अलावा 5 जने इंजर्ड है, जिन्होंने कोई सीरीयस इंजरी नहीं है, वो खतरे तो बाहर है। उम्मीद है कि अज या कल अपने घर चले जाएंगे। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर मुताबक मृतक शकी है। पुलिस मुताबक हो सकता है कि जो धमाका होया उस समय मारा गया व्यक्ति कोल खड़ा हो, यही धमाका खेस समगरी संभाल रहा हो। गल जी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि यह कारण नहीं पता लग सकया, क्योंकि इमीजिएटली मुश्किल हो जाता है कि किसी कंकलूजन पर पहुँचना। पर एक जड़ा सस्पेक्ट है, जड़ा बंदा जी बॉडी उत्थे मिली है, उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और लग रहा है कि वो कोल ही इंपैक्ट सीगा या एक्सप्लोसिव का, या बहुत नेड़े से या वो कैरी कर रहा सीगा। ये प्रिलिमिनरी गल है, इनू कोई कन्फर्म नहीं कह सकते। तो बाकी 4 जो इंजर्ड है वो सारे आउट ऑफ डेंजर है। उन्होंने इमीजिएटली असी हॉस्पिटलाइज करवा दिता सी। दे आर ओके। सारे हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ नाल गल हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार तो लुधियाना के जिला अदालती कंपलैक्स में हुए धमाके बारे रिपोर्ट मंगी है। कहा गया है कि NSG और NI के मैंबर भी जांच में सहयोग करेंगे। पंजाब पुलिस ने पूरे अदालती कंपलैक्स को सील कर दिया है। सारा एरिया असी क्लीयर कर लिया। साड़ी जिहड़ी एंटी सबोटाज टीम है वो सारा कोर्ट कॉम्पलैक्स सर्च कर रही है। बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी आ चुकी है साढ़े को, और NSG की टीम जिहड़ी है वो दिल्ली तो चल चुकी है। उस तो अलावा जिहड़े बाकी साढ़े इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है डिटेक्टिव स्टाफ वाले, वो सारा इन्वेस्टिगेशन असी कर रहे हैं और सारे CCTV वगैरह जिहड़ियां चीज़ां ने वो देख रहे हैं। प्रत्यक्ष दर्शियों मुताबक उन्होंने भी एक डेड बॉडी वेखी। आस पास दीवारां डिगियां सन, सारिया दीवारा गिरिया छत। उत्थे बंदे कहिंदे कपड़े है कपड़े, मैं कहा कपड़े नहीं। मैं जो कपड़े उतारे तो उत्थे डेड बॉडी पई आ। हुण ये नहीं पता, दूजी मंजिल बाथरूम दे कोल, बाथरूम दे विच, बाथरूम किन्ने मिंट पहले गल है, ये अद्धे पौने घंटे की गल है। और सारिया अदालतां ये ब्लास्ट, कोई कोई बंदा अणहोनी करके गया बम ब्लास्ट। इस घटना बाद पूरे पंजाब विच अलर्ट जारी कर दिता गया है।
डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा कि वह होर सख्ती वधा रहे ने तां जो चोणां मौके सूबे विच कोई होर अजिही घटना ना वापरे। ऐसा अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, पहले हम टीम्स आ जाएं। नहीं, एक्सप्लोसिव है। क्या एक्सप्लोसिव है वो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के जो फोरेंसिक साइंस टीम है, जो हमारे स्टेट के फोरेंसिक साइंस टीम है, प्लस सेंटर से एनएसजी से आ रहे हैं। अलर्ट के लिए आपने क्या क्या, हमने अलर्ट के लिए 3-4 दिन से स्पेशली सब जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हर कमिश्नरेट में पूरा अलर्ट डाला हुआ है, हर किस्म के। हाँ जी, हर जगह जहाँ पे भी क्राउड है, चाहे कोई रिलीजियस प्लेस है, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या मार्केट प्लेस, शॉपिंग मॉल, कचहरियाँ, हर किस्म की जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, और पब्लिक को भी हम कहेंगे थोड़ा अलर्ट रहे, पब्लिक भी थोड़ा होशियार रहे। शकील, इलेक्शन तो है ही है, तो फिर भी सबको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो है, पर पब्लिक अगर अलर्ट होगी तो ज्यादा हमारी मदद होगी। इस घटना बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने जख्मियों का हाल चाल जानिया। करीब 5 लोग फटड़ हुए ने, जिन्हां की हालत खतरे तो बाहर है। ओहो ही बंब चलाउण वाला सी, बाकियां दे जिन्हां दे सट्टा वज्जिया उन्हां नूं असीं मिले हैं, वह आउट ऑफ डेंजर है, किसी नूं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, पर यह बड़ी मंदभागी घटना हुई है। सानू लगता है कि आने वाली चोणां नूं देख के अराजकता फैलाउण दी पंजाब दे विच कोशिश है, इस दे पिछे किहड़ियां एजेंसियां है या कोई जिहड़ा गैंग है या क्या है, वो बारे तहकीकात चल रही है। बड़ी छेती असी किसी नतीजे ते पहुँच जावांगे, पर यह माड़ी घटना हुई है। मैं एक गल बिल्कुल क्लीयर कर देना चाहता कि पंजाब दे विच किसी तरह भी अमन व्यवस्था जिहड़ी है वो भंग नहीं होण दित्ती जाएगी। सरकार हर टाइम इस गल विच लगी हुई है। साड़ी पुलिस जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं वो सक्षम है हर कुछ करन दे, लेकिन ये किहड़ियां एजेंसियां हैं जिहड़ियां पंजाब नूं डिस्टर्ब करना चाहुंदियां या पंजाबियों नूं डराउणा चाहुंदियां या आने वाले समय च डरा के वोटा लेना चाहुंदियां, उहदे बारे बड़ी छेती खुलासे हो जाणगे। पंजाब विच इह कोई पहली घटना नहीं। जलंधर के मकसूदा थाने 14 सितंबर 2018 नूं कई धमाके होए सन, हालांकि जानी नुकसान नहीं होया सी। 18 नवंबर 2018 नूं राजा सांसी के पिंड अदलीवाल विच निरंकारी भवन में ग्रनेड सुट्टिया गया सी। इस धमाके विच 3 लोगों की मौत हो गई सी। साल 2017 दीआं विधानसभा चोणां दौरान मौड़ च भी बंब धमाका होया सी। जनवरी 2017 नूं होए इस धमाके च 7 लोगों की मौत हुई सी। हुण जदों मुड़ सूबे च विधानसभा चोणां सिर उपर ने, अजे च इस धमाके ने कानून व्यवस्था उपर सवाल उठा दिते ने। लुधियाणा दे विच जो धमाका होया, इस मसले ते सियासत भी खूब हो रही है। ब्रेक दे उस पार दिखावांगे कि आखिर लीडर क्यों हो रहे ने मेणो मेणी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भरोसा दे रहे ने कि जांच होएगी, दोषियों नूं सज़ा भी मिलेगी, पर इस मसले ते खूब सियासत भी हो रही है। खास करके श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों तिखे वार किए जा रहे ने। हालांकि पलटवार गृह मंत्री रंधावा ने भी किया है, पर इस पूरे मसले ने एक बार फिर तो पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर अते नाल ही सुरक्षा की जो स्थिति है उसते सवाल खड़े कर दिते ने। इसे लिए हुण सरकार विरोधियों के सवालों च घिरी हुई है। दरबार साहब च बेअदबी की कोशिश तो बाद वीरवार को सनती शहर लुधियाना बंब धमाके नाल दहल उठा। मौके के हालात जानने लई मुख्यमंत्री चन्नी भी तुरंत लुधियाना पुज गए। पहला सीएम ने इस धमाके दौरान जख्मी हुए लोगों का हाल चाल जानिया। मुख्यमंत्री चन्नी ने दावा किया है कि एजेंसियां चोणां दे मौके माहौल खराब करने के इरादे नाल अजिहियां नापाक हरकतां करवा रही है, पर पंजाब सरकार इसकी तय तक जाएगी। जिस दिन दे असी नशियां दे पिछे पए है उस दिन दीआं इदां दीआं घटनावां सामने आ रही हैं। हरिमंदर साहब दे विच भी एक घटना हुई है, उस तो बाद कपूरथला दे विच हुई है जिहड़ी कि किसी तरह भी बेअदबी नहीं सी। ते आ भी घटना, क्योंकि अज मोहाली कोर्ट दे विच केस सी, इत्थे कोर्ट दे विच घटना हो गई है।
एक किस एंगल दे नाल है, या तो इस पासे है या आने वाली चोणों के नाल कोई एजेंसियां पंजाब की अर्थव्यवस्था नू भंग करके डरा के वोटा लेनिया चाहुंदियां पंजाब दियां, इह गल्लां आने वाले दिनां सामने आ। सानूं लगदा है कि आने वाली चोणों नू देख के अराजकता फैलाउण दी पंजाब दे विच कोशिश है। इस दे पिछे किहड़ियां एजेंसियां है या कोईड़ा गैंग है या क्या है वो बारे तहकीकात चल रही है। बड़ी छेती असी किसी नतीजे पर पहुँच जावे। किसी तरह भी अमन शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। कोई भी बंदा जिहड़ा गलत करेगा उसनू असी तकड़े हत्थी टकरांगे। साढ़े हाथ मजबूत है, पंजाब के हाथ मजबूत है, तो पंजाब मजबूत रहेगा। गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने मौजूदा कानून व्यवस्था नूं लैके डीजीपी नाल अचनचेत मीटिंग सदी अते दावा कीता कि किसी भी हालात च पंजाब दा माहौल खराब नहीं होण दित्ता जाएगा। किसी चीज़ नूं रूल आउट नहीं किया जा सकता। तुहानूं कल तक सारा कुछ पता चल जाएगा जो उहदी जांच हो जाएगी। उत्थे जिहड़ी डेड बॉडी रंधावा साहब दो दिन पहला दो दिन आई भी नहीं साडे पंजाब दी पहले ही अलर्ट सी। आई पी तो पहला असी ज़्यादा अलर्ट सी, सानू पता जी टाइम टू टाइम ये जी रेड अलर्ट पहले ही कर सर। रेड अलर्ट के बावजूद धमाके आने बिल्कुल पैसेंजर साहब न एक गल हुई है। तकरीबन एक कोर्ट ने पूरिया कोर्ट के जो मेटल डिटेक्टर और पुलिस का पूरा इंतजाम किया जाएगा। नवजोत सिद्धू का मनना है कि अजिहियां घटनावां पंजाब दे लई खतरनाक ने। सिद्धू ने हालांकि दावा किया है कि दुनिया की कोई भी ताकत पंजाब की एकता नूं कमजोर नहीं कर सकती। यह साफ दर्शाता है कि एक खास कम्युनिटी की पोलराइजेशन दे वास्ते उन्हां नूं अड करन दे वास्ते उन्हां नूं डरा के भय तंत्र दे नाल लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बना के एक ऐसे पासे मुड़िया जा रहा है जिहड़ा पंजाब दे लई बहुत खतरनाक है। शक दे घेरे च एजेंसियां आउंदियां जिन्हां नूं कठपुतली बना लिया, वड्डियां वड्डियां संस्थावां नूं कठपुतली बना लिया, लोकतंत्र दा डंडा तंत्र बनाता, गुंडा तंत्र बनाता और पंजाब दी पंजाबीयत दे सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक नूं पाड़न दी कोशिश कीती जा रही है। श्रोमणी अकाली दल ने भी इस घटना से दुख का प्रगटावा किया है। पंजाब सरकार नूं राज विच अमन शांति अते भाईचारक सांझ नूं यकीनी बनाउण दे लई सियासी बदलाखोरी की बजाय अमन कानून वल ध्यान देने की अपील की है। पंजाब विच लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी है। अज जो बॉम्ब अपने उत्थे होया लुधियाने विच बॉम्ब ब्लास्ट होए है, थोड़े दिन पहले बैंक लुटे गए, थोड़े दिन पहले किडनैपिंग, हर रोज किडनैपिंग दी, गुंडागर्दी दी, बॉम्ब ब्लास्ट दी, ए जियां खबरां आ रही हैं। पंजाब पुलिस अपनी जिम्मेवारी नहीं संभाल रही। जिहड़ी जिम्मेवारी पंजाब पुलिस दी है कल्ली पोलिटिकल वंडेटा ते लगी है, सारा टाइम वंडेटा पोलिटिकल लगी है पर जिम्मेवारी नहीं संभाल रही। इस करके मैं पंजाब पुलिस नूं कहना चाहुंदा है, खास करके डीजीपी नूं, जिहड़ा डीजीपी कॉम्पिटेंट नहीं डीजीपी बनता, जिहड़ी डीजीपी नूं यूपीएससी ने कहा है कि आ सब तो निकम्मा बंदा है, इनू डीजीपी ना लाया जाए, पर उस निकम्मे बंदे नूं इन्हां ने डीजीपी लाया क्यों? आम आदमी पार्टी ने 2017 मौड़ मंडी ब्लास्ट का जिक्र करदिया लुधियाना च हुए धमाके पिछे राजनीतिक साजिश का खदशा जताया। कदे बेअदबियां, कदे लुधियाने दे विच बंब ब्लास्ट, यह पंजाब का माहौल खराब करने की गहरी साजिश है। जांच होनी चाहिए है कौन मास्टरमाइंड ने। बीजेपी लीडर तरुण चुग ने ना सिर्फ इस नूं पंजाब सरकार की कमजोरी दसिया सगो बंब धमाके की आड़ च बिना ना लए नवजोत सिद्धू ते भी हमला बोलिया। पंजाब की अमन शांति को कहीं नजर ना लगे, इसलिए ये बड़ी दुखद घटना। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से, पंजाब के गृह मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि पंजाब की सुरक्षा को, बॉर्डर की सुरक्षा को अब सजग व सतर्क रहकर बार बार जो उनको वार्निंग्स आ रही हैं उसके बावजूद पंजाब की सुरक्षा पर जितनी सतर्कता देनी चाहिए थी, सीमाओं पर जितनी सतर्कता रखनी चाहिए थी, वहाँ कहीं फेल हुई है।
सिर उत्ते विधान सभा चोणा ने बेअदबी दीआं घटनावां दा अजे तक कोई थौ पता नहीं लग्या। उधर लुधियाणा बंब धमाके की घटना ने सरकार अते पुलिस की कारगुजारी सवालों के घेड़े च खड़ी कर दिती है। अजिहे च विरोधियों वालों सवाल चुकने भी लाजमी ने, यानी हुण सरकार अते पुलिस दे लई चुनौती दोहरी हुंदी जा रही है। फ्रंटवुड विच इत्थे रुकदे इक छोटे जिहे ब्रेक दे लई, पर ब्रेक दे उस पार भी खबरां दा सिलसिला जारी रहेगा। ड्रग्स मामले दे विच FIR दर्ज होने तो बाद साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने गिरफ्तारी तो बचने दे लई मोहाली कोर्ट दा रुख कीता सी। अदालत दे विच सुनवाई भी हुई, पर साबका कैबिनेट मंत्री नूं अजे कोई राहत नहीं मिली क्योंकि मुड़ तो हुण शुक्रवार नूं सुनवाई होवेगी। बिक्रम सिंह मजीठिया नूं ड्रग केस च जमानत मिलेगी ज नहीं, इस मसले ते हुण शुक्रवार नूं मुड़ मोहाली दी कोर्ट च सुनवाई होवेगी। मोहाली कोर्ट च मजीठिया ने अगाऊ जमानत अर्जी पाई, पर साबका मंत्री नूं वीरवार नूं कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने बहस तो बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। वो एक डेढ़ घंटा लंबी बहस तो बाद लंच तक जिहड़ा सी ओह जज साहब ने अपना फैसला राखवा रख लिया सी। लंच तो बाद जज साहब ने कल दे लई दोवां धिरां नूं नोटिस जारी किया, और कल नूं दोवां धिरां नूं ही अपने सारे दस्तावेज लै के अदालत दे विच पहुंचण लई कहा, और कल 10 बजे हुण दोबारा इस केस दे उपर सुनवाई होगी। पर 20 दिसंबर नूं ड्रग केस च बिक्रम मजीठिया खिलाफ FIR दर्ज की गई सी, पर उदों तों मजीठिया का कोई सुराग नहीं लग रहा। मजीठिया की भाल लई टीमां का गठन किया गया, लगातार छापेमारियां की जा रही हैं, लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुके हैं। जो टीमें दी है वो तो कर रहे हैं, वो अपने आप कर रहे हैं जी कार्रवाई, जो उनकी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जी। पुलिस बिक्रम मजीठिया नूं लभ रही है, पर साबका मंत्री ने अदालत ते टेक लाई हुई है। मजीठिया खिलाफ NDPS दीआं धारावां तहत मोहाली दी क्राइम सैल च मामला दर्ज किया गया। 7 साल पुराना मामला इस पूरे मसले की जड़ है। पूरा मामला की है इससे भी एक झात मार लेंदे हां। 2013 च अकाली दल दी सरकार समेत जीरकपुर च अनूप कालू दे फ्लैट दी छत तो हैरोइन बरामद हुई, जिस च बॉक्सर विजेंद्र दा भी नाम आया। मोहाली पटियाला फतेहगढ़ साहब च कई थावां तो बरामदगी हुई। ड्रग स्मगलरां दी चेन फड़ी गई, जिसका किंग पिन जगदीश भोला सी। पुलिस ने बिट्टू औलख, जगजीत चहल सने कई गिरफ्तार किए। ED ने भी ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। ड्रग रैकेट च गिरफ्तार मुलजमान नूं रिमांड ते लिया। जगदीश भोला ते जगजीत चहल ने मजीठिया दा नाम लिया। ड्रग केस च मजीठिया दा नाम आउण तों बाद पंजाब दी सियासत च भूचाल आ गया सी। 2017 च कैप्टन ने नशे दे वड्डे मगरमच्छां नूं फड़न दा दम भर के सरकार बनाई, पर 4.5 सालां च कुछ नहीं होया। कैप्टन दी थां जदों चन्नी मुख्यमंत्री बने तां उहनां ते वी लगातार इस केस च कारवाई दा दबा सी। हुण मजीठिया खिलाफ FIR दर्ज होई है अते पंजाब पुलिस दीआं टीमां मजीठिया दी तलाश कर रही हैं। ड्रग्स मामले दे विच FIR दर्ज होने तो बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने गिरफ्तारी तो बचने दे लई अदालत दा रुख कीता। अदालत तो साबका कैबिनेट मंत्री नूं की मिलिया जवाब, दसांगे ब्रेक दे उस पार। चोणां तो पहला दल बदल दी सियासत जारी है, ते इसे दे तहत रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा जो एक वेले अकाली दल नूं छड्ड गए सन, हुण मुड़ तो श्रोमणी अकाली दल दे विच शामिल हो गए ने। प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल मौजूद रहे, हालांकि जदों रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने पार्टी छड्डी सी तां उन्होंने सवाल खड़े किए सन सुखबीर सिंह बादल ते, पर हुण जदों मुड़ तो शामिल होए ने तां उसे सुखबीर सिंह बादल दे तारीफां दे पुल बने। जिस प्रधान की कारगुजारी उत्ते सवाल खड़े कर वखरा सियासी राह चुनिया सी, वीरवार नूं उसे प्रधान सुखबीर बादल की अगुवाई च रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने घर वापसी कर ली है। ब्रह्मपुरा सब कुछ भुला के पार्टी च मुड़ शामिल होए तां स्वागत सुखबीर बादल वालों भी भरवां कीता गया। कुछ कारण करके आपां तो थोड़े बिछड़ गए सी, पर अज मैनूं बड़ी खुशी है कि ब्रह्मपुरा साहब दे आशीर्वाद नाल, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ा एक्सपीरियंस है, उन्हां दी दूरदेश जिहड़ी दूर देखण दी इहनां दी जिहड़ी सोच है, उन्हां नूं साडा बहुत वड्डा बेनिफिट श्रोमणी अकाली दल नूं होणा। अपनी घर वापसी मौके ब्रह्मपुरा ने कहा कि वह कुछ समय के लिए छुट्टी ते गए सन अते हुण मुड़ अपनी मां पार्टी का हिस्सा बन गए ने। हालांकि ब्रह्मपुरा इस दौरान यह भी जताना नहीं भुले कि वह प्रकाश सिंह बादल तो बाद पार्टी के सब तो वड्डे लीडर हन। कुछ समा
छुट्टी दे समझ लो जा कोई समझ लो चले गए हां तो जितना फौजी मुके फिर चले जाते अपनी साड़ी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल बादल साहब बैठे ने और श्रोमणी अकाली दल दे विच बादल साहब सब तो वध कुर्बानियां कीतियां ने कैद कटी है ते मैनू फखर है गल दा दो नंबर ते मैं ही हां मैं इन्हां दे नाल पिछे पैर ते पैर रख के तुरदा रहा बड़ी कृपा रही है। ब्रह्मपुरा ने पार्टी च अपना कद दसिया तो प्रकाश सिंह बादल ने उस उत्ते फुल चढ़ाई बकायदा सुखबीर बादल नूं अपील की कि ब्रह्मपुरा का कोई भी हुक्म बिना किंतु परंतु मन्या जावे। मैं सुखबीर नूं कहांगा बेटा मैं तो कोई हुक्म करना नहीं ना कहना है पर जेड़ा ब्रह्मपुरा साहब का हुक्म होवे ओ अलाही हुक्म समझो किसे नूं मोड़ सकदे हो तुसीं लेकिन ब्रह्मपुरा साहब ना मोड़े ये मेरी हुक्म समझो अपील समझो जो भी गल समझो क्योंकि बहुत वड्डी शख्सियत है ना बड़ा इन्हां दा योगदान है। जिक्र योग है कि 2017 दी चोणां च पार्टी दी हार तो बाद सुखबीर बादल दी अगवाई उत्ते सवाल उठन लगे सन जिन्हां च सब तो अगे रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा सन बकायदा उन्हां ने अपने साथी सेवा सिंह सेखवां रतन सिंह अजनाला सने 16 दिसंबर 2018 नूं अपनी वक्री पार्टी बनाई हालांकि रतन सिंह अजनाला कुछ ही समय बाद वापस अकाली दल च शामिल हो गए अते फिर सुखदेव ढींसा नाल मिल के अकाली दल संयुक्त पार्टी का गठन होया। सेवा सिंह सेखवां दा देहांत हो चुका है सुखदेव सिंह ढींसा बीजेपी नाल गठजोड़ लई रुझे ने तां अजिहे च ब्रह्मपुरा कोल घर वापसी तो इलावा कोई राह बचा भी नहीं सी अते हुण सब तो वड्डा सवाल यह है कि 3 साल बाद ब्रह्मपुरा का हिरदे परिवर्तन किवें होया। तो हुण वारी है को रिएक्शन ऑफ द डे दी असीं अपने दर्शकों नूं सवाल पूछा सी पंजाब दे किसानां दे बाबत कि पंजाब दे किसान ये कहिंदे हुए प्रदर्शन कर रहे ने कि जो पंजाब सरकार है वो कर्ज मुआफ़ी दा अपना वादा वफा नहीं कर सकी इस ते तुसीं अपनी राय दे सकदे सी बहुत सारे दर्शकों की सानू राय हासिल भी हुई है। कू यूज़र ने जो जग्गी सिंह उन्होंने लिखे कि पिछले 50 साल च खेती उपजा दीआं कीमतां च 80% का वाधा होया पर इस दे नाल खेती लागतां च 300% तो वध दा वाधा हो चुका है यानी कि वह कहना चाह रहे ने कि जो आमदन है वह उन्नी नहीं वधी जिनी लागत वध रही है इसे लिए किसान परेशान ने पहला दिल्ली दे विच धरना लग्या होया सी हुण पंजाब सरकार दे खिलाफ भी किसानों ने मोर्चा खोल दिता है हालांकि सरकार दे नाल किसानां दा जिहड़ा डायलॉग है वह भी चल रहा है नतीजा निकलन की आस भी जिहड़ी है जताई जा रही है। इसे तरह के नाल तुसीं भी अपनी राय भेज सकते हो तो उस राय नूं असीं प्रसारित करांगे फ्रंट फुट दे विच तुसीं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो ABP सांझा का जो कू हैंडल है उसनों फॉलो करके अपनी राय साडे तक भेज सकते हो। इस मैनू दो इजाजत फ्रंट फुट के अज के लिए इन्ना ही पर लीड स्टोरी के तफसील के नाल देखना ना भुलना कि लुधियाना के जो ब्लास्ट होया उस दे पिछे की पूरी कहानी की है तो नाल ही ABP सांझा के दर्शकों के लिए खास जानकारी यह भी कि अपने मनपसंद चैनल ABP सांझा हुण तुसीं टाटा स्काई के चैनल नंबर 1929 भी देख सकते हो।